दो तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 6:31, तो आज है ट्यूसडे। हैप्पी बर्थडे पवन। थैंक यू। माँ बाप का आशीर्वाद लो। आशीर्वाद दीजिए आप, खूब तरक्की करे, तरक्की करो, खूब मस्त रहो, अच्छा रहे, जिस चीज में भी, जिस लाइन में भी जाए, जब तक अचीव नहीं होता तब तक पीछे मत रुकना। आज का दिन मुंह लटकाया हुआ है माँ, क्या बात है भाई। बाकी अभी पवन को लेके जाना है कहाँ पर? मंदिर जाना है, मंदिर गुलपाड़ी मंदिर पूजा करने जाना है। तो आज इसीलिए जल्दी उठा दिए पापा, 6 बजे पहले ही उठा दिए, 5:30 बजे। तो आज तैयार हो गया, बाबू भी तैयार हो गया और मैं तो ऑलरेडी तैयार ही हूँ। तो चलिए निकलते हैं। और आप लोग बताओ आज मैं कैसा लग रहा हूँ। ये तब का है जब मैं हरियाणा गया था, तब ये लिया था, सॉरी दिल्ली से लिया था। तो पापा अभी गाड़ी निकाल रहे हैं। और कल तो ऐसा बरसात हुआ था, नीचे आप लोग देखो, पूरा इधर का पार्ट पूरा गंदा हो गया है। ऊपर पहुंचे नहीं, अभी से हालत खराब हो गया, बट अब पहुंच जाएंगे, अब मंजिल सामने है। पूरा सांस फूल रहा है। प्रसादी तो ठीक है, 1 रुपये उनका। नीचे जितना भी है ना वो सबको दे रहा। तो कभी भी अगर आप लोग मंदिर जाओ या कहीं भी जाओ, अगर ऐसे बुजुर्ग लोग दिखते हैं तो 1 रुपया भी दे दिया करो, उनका दुआ मिल जाता है। बस ये बोलूँगा, ये मत सोचना कि यार 100 रुपया देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है यार। उनको जितना भी दो वो खुश रहते हैं। जैसे पवन आज अपना बर्थडे में दुआ ले रहा है। हमेशा खुश रहो, आज का दिन तो खुश रहो। स्माइल नहीं आ रहा पवन? खुशी तो है ओ भाई साहब, खुशी तो है, खुशी झलकाओ, हमेशा मुस्कुराओ ऐसे ही। फिलहाल तो अभी पूजा हो चुका है और अभी घर निकलते हैं हम लोग। अब पानी भी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब बूंद बूंद गिर रहा है, तो जल्द देखो पूरा भींग गया। तो चलते हैं अभी घर निकलते हैं। ब्रेकफास्ट तो किए नहीं थे क्योंकि पवन का आज तो बर्थडे है ना। तो भाजी ले रहे पापा अभी। फिलहाल तो साग ले लिए हैं और अभी पापा को चाय पीना है। पापा चाय पी रहे, बाकी हम लोग तो चाय वगैरह नहीं पियेंगे। पापा और बाबू का चाय पीना हो गया कंप्लीट, तो अभी चलते हैं घर। और 8 बजे हम लोग को निकलना, 8:10 तक या 8:15 तक निकल जाएंगे एसआई के लिए। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अभी जस्ट हमें निकलना होगा। पापा जूता पहनेंगे और तुरंत निकलेंगे। तो चलो, मतलब आज भी पूरा इसी में दिन चला जाएगा, इधर उधर काम वगैरह को निपटाना, और आज पवन का बर्थडे भी है, सब देखते हुए करना होगा। पापा ये रहे, बाकी पवन घर पे रहेगा। हेलमेट वगैरह ले लिया हम लोगों ने, अभी तो चलते हैं। 1-1.5 घंटा कम से कम हॉस्पिटल में लगेगा चेकअप कराने में, लाइन भी तो बहुत रहेगा ना। बहुत उसी चलते ना, डॉक्टर तो 9 बजे आता है। फाइनली हम लोग एसआई आ गए हैं। बाकी ये रहे पापा, पेपर वगैरह मिल चुका है, तो अभी डॉक्टर से दिखाएंगे पापा। अंदर तो सूट करना अलाउ नहीं है गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है, फिर कोई सिक्योरिटी आके बोलेगा क्या कर रहे हो आप। इसीलिए देखता हूँ, जैसा होगा आप हो पाएगा तो बनाऊँगा, नहीं तो नहीं। अभी कहाँ जाना है पापा? तो पापा फाइनली दवाई ले लिए हैं और अभी पापा कॉल लगा रहे हैं। किनको कॉल लगा रहे हैं पापा? कोर्ट में लगा रहे हैं, कोर्ट में लगा रहे हैं।
कितने बजे तक? 12:30 बजे। इधर लगा दीजिए। अभी हम लोग आए हैं पीएम मॉल, और क्यों आए हैं वो आपको पापा बताएंगे। पीएम मॉल इसलिए आए हैं कि कहने मतलब कि आज पाउंड का बर्थडे है, और कहने मतलब है कि इसलिए उसको शर्ट गिफ्ट करना चाहते हैं। और उस टाइम जब शॉपिंग करने गया था, आप लोग देखे होंगे वो ब्लॉग, तो वो खाली पेंट ही लिया था वो, फिर हाँ कि शर्ट नहीं ले दिया। हम तो बोले थे आप लोग को, बोले थे आप लोग को, तो वही आज जा रहे हैं। बाकी थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा खर्चा होगा, बट फिर भी साल में एक बार आता है, पापा तो उतना कर ही सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। पवन का गिफ्ट तैयार हो चुका है, ये रहा, और आज पापा तो पवन को खुश कर देंगे बर्थडे। हाँ तो खुश तो करना पड़ेगा ना, साल में एक बार आता है। बाकी अभी जल्दी जाते हैं, अभी हम लोग को जाना होगा यहाँ से कोर्ट भी हो रहा है, बट फिर भी हम लोग स्टिल लगे हुए हैं। मेरे को तो नहीं मिला था क्या बात, मेरा बर्थडे पे मेरे को नहीं मिला था, बट पापा और हम मैनेज करके आज पवन को दिला रहे। पर खैर बोलते हैं ना, मेहनत करने से क्या नहीं मिलता दोस्त, बस मेहनत करो। तो फाइनली कोर्ट का भी काम हो चुका है, ये रहा पेपर। बाकी अभी चलते हैं घर, ज़्यादा थक गए गाइस, मतलब सुबह से निकले थे, फिर आप लोग देखे होंगे पूजा करने गए थे, फिर पवन को छोड़े, फिर डायरेक्ट इधर। बाकी अभी चलते हैं घर, 1 बज गया, 1:15 हो गया। चलिए आप लोग को एक बार घर चलते हैं यार। फाइनली घर पहुंच चुके हैं, मतलब 2 बज गया यार, आज पता ही नहीं चला इतना देर, बाकी पूरा थक गया यार। और ये वाला तो अभी पवन का छिपा देंगे, क्योंकि शाम को उसको देंगे। चले चाबी ले लीजिए। पूरा दिन बीत गया, बारिश तो ऐसा किया गया, मतलब बारिश बारिश बारिश। बाकी गाइस बोलने ही मन नहीं करो। चलो थैंक गॉड पहुंच चुके घर, आराम से जूता उता खोल के बस सो जाएंगे यार। तो अभी पापा बैठे हुए हैं, पवन इधर बैठा हुआ है, 3:52 हो रहा है। पवन सोचता है अबे यार आज कुछ होगा कि नहीं, लोग कुछ कर रहे कि नहीं। ये तो बोल रहा है वैसे भाई कि मेरे लिए कहाँ कुछ हो रहा है, ऐसा समय गुजरते जा रहा है, शाम होते बार बार पवन देखता है इधर इधर देखता है, शाम हो जा रहा है ना, तो पापा बार बार टोक रहा, पापा कुछ नहीं होगा क्या मेरा आज भी कुछ नहीं होगा, अगले साल होगा। आओ अगले साल, अब अगले साल, अगले साल नहीं होगा, अभी होगा। तो गाइस अभी तक पवन को पता नहीं चलने दिए कि उसके लिए हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको एक बार भी नहीं पता है, बट वो भी उम्मीद में लगा है कि कुछ करेंगे मम्मी पापा, कुछ करेंगे करेंगे जरूर करेंगे। तो अभी चलते ही केक लाने, पहले लंबू भैया को लेना होगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे केक। गाइस फाइनली केक लेने आ गए हैं, बाकी ये देखो आप लोग केक, छोटा भी पवन का फेवरेट कार्टून। तो अभी केक लेते हैं, उसके बाद जल्दी जाना होगा और जल्दी सेलिब्रेशन करना होगा, क्योंकि बहुत शाम भी हो गया। तो अभी पापा ले जा रहे हैं अपना जो सरप्राइज गिफ्ट जो पापा को देना था, ले जा रहे पवन को। आखिरकार पवन का अभी को अच्छा खुशी लग रहा है ना। चलिए मैं भी तैयार हो गया हूँ, और आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा हूँ। पकड़ लो, खोलना मत, लेके चलो। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी रुको थोड़ा सा रुको। पवन अभी भी आंख बंद किया हुआ है, और मम्मी टीका लगा रही है। आशीर्वाद दो वहाँ पवन को। हाँ बेटा बहुत बड़ा आदमी बने तुम लोग दोनों, आशीर्वाद दीजिए। हाँ मतलब यही बोलना चाहते हैं गाइस कि इसको आज हम सरप्राइज देते हैं, क्योंकि इसका बर्थडे है, तो और मेरा तो आशीर्वाद रहेगा, आशीर्वाद हमेशा रहेगा, खूब तरक्की करे और स्वास्थ्य शरीर सब अच्छा रहे, और क्या बोले पहन के तुरंत तैयार हो, जस्ट तुरंत तुरंत पूरा सजावट देख रहे हैं आप लोग, ये सजावट का क्रेडिट पूरा दीपांकर भैया जी को जाता है क्या।
बाकी पूरा खुश लग रहा है। हाय खा लिए बस साइलेंट मोड। हाय रेडी कर लिए हम लोग। अरे भाई साहब, अरे ये काट दो, ये काट दो। कैंची लेके आई है, मोमबत्ती कहाँ है? ये कैप क्या, तू इसको दे दो पहनने के लिए। टावी देगा वो छोटा भी, तुम भी टोलू मोलू है ना पा, इसीलिए छोटा भी। मोर कृष्णा छोटा भी, कैसा लग रहा है? हैप्पी यही बोलना चाहेगा कि तरक्की करो अपनी लाइफ में, जो भी करो बस खुश मिजाज हमेशा रहो। बाकी मैं हूँ, मेहनत करूंगा और जितना हो सके हमेशा फैमिली को सपोर्ट रहेगा। बाकी आप लोग का सपोर्ट और मोहब्बत और कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी आज कर रहा हूँ आप लोग की बदौलत कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, ये दिन आप लोगों के द्वारा आया। बाकी इतनी मोहब्बत के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में जितना हो सके आज, देखो यार आज मैं दिल खोल के बोलूंगा, जितना हो सके कमेंट बॉक्स में पूरा हैप्पी बर्थडे तो भर दो यार, मतलब भर दो। एक दो बहुत अच्छा लग रहा है। और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आज कमेंट से भर ही दीजिए। और क्या बोले गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है बस। चलिए तो बस ये बोलेंगे गाइस, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए और ढेर सारा शुभकामनाएं दो पवन को, जितना हो सके मोहब्बत दो। बाकी यहीं तक रखते हैं, आई होप गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।